पंजाब असेंबली इलेक्शन की वोटों की गिनती होने के बाद आखिरकार ये तो साफ हो गया कि 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो गई है। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन वोटों की गिनती होनी थी उस दिन कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्मदिन भी है और ऐसा लग रहा है मानो पंजाब की जनता ने कैप्टन को जन्मदिन का तोहफा दे दिया हो। बेशक कैप्टन लंबी से चुनाव हार गए हो लेकिन शाही सीट पटियाला की जीत और पूरे सूबे में कांग्रेस को मिला बहुमत लंबी की हार को भुलाने के लिए काफी है। कैप्टन को मिला जन्मदिन का तोहफा। 2017 का चुनाव कैप्टन का आखिरी चुनाव। कैप्टन लड़े 2 सीटों से चुनाव। शाही सीट पटियाला तो बादल का गढ़ लंबी बना कैप्टन का मैदान। इस बार पोती ने भी किया प्रचार। पंजाब की जनता ने कैप्टन को तोहफा तो दे दिया लेकिन अब सुगबुगाहट सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की भी है। पंजाब डेस्क, जनता टीवी। जी हाँ, तो एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाकी राज्यों की अगर हम बात करें, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का गठबंधन वो कमाल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद प्रकाश सिंह बादल कर रहे थे, और कांग्रेस ने यहां पर आम आदमी को खासतौर पर पछाड़ा है। जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कम से कम पंजाब फतह तो वो कर ही लेगी, गोवा में बड़ी पार्टी बनने का दम आम आदमी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा था जिसकी हवा निकल गई है। लेकिन अगर हम खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत किसी भी राजनीतिक दल को हासिल नहीं हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं रामचरित्र निषाद जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जब एग्जिट पोल से अगर हम शुरू करते हैं तो एक बढ़त या नहीं कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही थी एग्जिट पोल में भी, देखिए इतनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर लेगी, क्या ये आपके लिए भी अप्रत्याशित है? हाँ, जब इस तरह की जीत होती है तो वो जनरली अप्रत्याशित ही होती है। जैसे 1977 में जब जनता पार्टी ने पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था केंद्र की, तब ऐसा ही हुआ था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इंदिरा गांधी संजय गांधी हार जाएंगे, तो ये अप्रत्याशित ही हुआ करती इस तरह की जीत। जब एनटी रामा राव 1983 में आंध्र प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया तब भी यही हुआ था। जब 1984 में बीजेपी और सारे अन्य बड़े दलों के सारे बड़े नेता चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, हेमवती नंदन बहुगुणा जब हार गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा मैंडेट आएगा, क्योंकि यही और यही लोकतंत्र की ताकत है। आप ये समझ लें उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो यही वो जता रहे हैं कि पब्लिक की ताकत क्या है, वोटर की ताकत क्या है, यही लोकतंत्र में उसकी ताकत है। और इससे सिद्ध हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा अमला क्यों इतने दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में डटा रहा, इससे ये बात भी सिद्ध हो गई। और अखिलेश राहुल ने क्यों 250-300-400 सभाएं करी, इससे ये भी बात सिद्ध हो गई। क्यों जनता के दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं ये लोग, क्यों चिरौरी करते हैं, क्यों तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि जनता की ताकत सबसे ऊपर है, जनता को सलाम है। ठीक है, इस पर कुछ और भी सवाल उठेंगे कि क्या पंजाब में वो स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपनाई गई, पंजाब में जिस तरीके से उत्तराखंड और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक डेरा डाला, प्रधानमंत्री की कोशिशें वहां पर जिस हद तक हुई पंजाब में आखिर क्यों नहीं हुआ? अब सर आपसे एक सवाल मेरा कि उत्तर प्रदेश में जो है सवाल मैंने सर से पूछा कि अप्रत्याशित जीत रही, आपको भी शायद जीत की उम्मीद कर रहे होंगे लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है या ये बीजेपी की जीत है? देखिए इसमें हमारे प्रधानमंत्री की ही जीत है और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जनता की जीत है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने सीधे कहा 125 करोड़ को समर्पित उनकी जीत हुई, तो कभी प्रधानमंत्री हमेशा जनता को सर पे रख करके और बात की है और काम की है। आज वही चीज़ है कि प्रधानमंत्री के ईमानदारी और देश विदेश
में जिस तरह से हिंदुस्तान का नाम बढ़ा करके और उत्तर प्रदेश खासकर, हमेशा वो यही कहते थे कि हमारी लोकसभा में जो है बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बिल आती थी, चाहे GST हो, इसे तमाम बिल हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा सोच रही कि जब प्रदेश मजबूत होगा देश मजबूत होगा। तो प्रदेश को मजबूत करने के लिए और लोकसभा में बहुमत होने के लिए राज्यसभा में भी बहुमत होना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री को तो हमेशा जमीन की बात की है, किसान की बात की है, नौजवान की बात की है, रोजगार की बात की है, कसाब की भी बात की है जी, कसाब। नहीं नहीं, देखिए आज अब इतनी बड़ी जीत को आप उसको मोड़ करके इधर उधर मत ले जाइए, सीधे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत, वहाँ की जनता परिवर्तन चाह रहा था, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश की आज़ादी, आज तक सबसे ज़्यादा देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में दो जगह से चुनाव लड़े थे, उन्होंने गुजरात से लड़े थे और उत्तर प्रदेश से लड़े थे, लेकिन उन्होंने गुजरात से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश को अपनाया कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते आज तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। तो उनका संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को हम पहले विकास करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सवाल का जवाब आपने शुरू में दिया, जिस बात को आपने रखा, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि पंजाब में वो एफर्ट नहीं डाला गया आला कमान की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से? ऐसी क्या, मतलब क्या अगले लोकसभा चुनाव में एकला चलोरे के रास्ते पर आने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही? देखिए ऐसा है कि इसे आपके सवाल पर मुझे एक बात याद आ रही है कि ये कमाऊपूत और बिगड़ेपूत का फर्क है। यूपी उत्तराखंड कमाऊपूत थे, वहाँ इन्हें आशा थी कि एंटी इनकम्बेंसी दूसरी पार्टियों की थी, और पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी इनकी पार्टियों की थी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। आप देखें कि इस देश में जनता बहुत समझदारी से अब चुनाव कर रही है। उसने हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस को 0, मध्य महाराष्ट्र में 15 साल की कांग्रेस NCP की एंटी इनकम्बेंसी, दोनों को 0 BJP और शिवसेना को दिया। हालांकि दोनों में से मेजोरिटी किसी की नहीं आई, दोनों ने एक दूसरे को गरिया के चुनाव जीता, लेकिन बाद में राजनीतिक सुविधा के तहत हाथ मिला लिया, जो कि इस देश का चरित्र है और लोकतंत्र में ऐसा होता भी है, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि यूपी उत्तराखंड दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरे दलों की सरकारें थी, बीजेपी के पास फसल काटने को थी, दूसरे बीजेपी ने अपना रास्ता भी बदल लिया है। बीजेपी जो कहती थी वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। जो कांग्रेस अभी तक करती आई थी वो बीजेपी ने अपना लिया कि जीतो, चुनाव जीतना परमो धर्म है। जो अगर चुनाव जीतते हो तभी आप अपना एजेंडा, अपनी नीतियाँ, अपना सब कुछ, अपना आदर्शवाद, अपनी विचारधारा लागू कर पाओगे, तभी वो, इसलिए वो लोग लगातार, और ये बीजेपी के सामने मजबूरी भी है, प्रधानमंत्री के सामने मजबूरी भी है, अमित शाह के सामने मजबूरी भी है, क्योंकि बीजेपी का अभी उतना आधार नहीं है राष्ट्रव्यापी। वो राष्ट्र की बात जरूर करते हैं लेकिन राष्ट्रव्यापी आधार नहीं है। तो राष्ट्रव्यापी आधार हासिल करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी बिहार की तरह इनके हाथ से छिटक जाता तो फिर कैसे अपने को राष्ट्रीय दल कह पाते? इसलिए ये इनकी रणनीति इस समय काम कर गई है, जो पहले अन्य दलों की भी करी है। ऐसा कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी ने जीत लिया तो कोई बहुत बड़ा इस लोकतंत्र में तूफान आ गया। ऐसा पहले भी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब जब ऐसे साइलेंट मैंडेट होता है, जब पब्लिक साइलेंट रहती है, उस समय ऐसा ही तूफानी जो है मैंडेट वर्डिक्ट निकल के आता है, अंदर से मतपेटी से निकली। मुझे याद है 1984 में जनसत्ता अखबार, जिसे विपक्ष का अखबार माना जाता था, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, वो लगातार, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि कांग्रेस इतने बड़े बहुमत से जीतेगी। वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारी बता रहा था, वो लगातार चंद्रशेखर को भी भारी बता रहा था, वो लगातार हेमवती नंदन बहुगुणा को भी भारी बता रहा था। और जब सारे हार गए तो उसका अगले दिन सुबह शीर्षक था, मतपेटी से निकली इंका की आंधी, इंदिरा कांग्रेस तब कहते थे कांग्रेस को। तो इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है, कोई अप्रत्याशित इस देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हाँ, ये लोकतंत्र की जीत है और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी और उन तमाम दलों को सबक मिलेगा जो राजनीतिक सुविधा के लिए कभी गठबंधन करते हैं, कभी अपने बयान बदलते हैं और कभी अपनी पटरी बदलते हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र कमांडो जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कमांडो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, सीधे तौर पर एक सवाल कि पंजाब को लेकर के दम भरा जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि पंजाब तो जीत ही रहे हैं और गोवा में भी एक बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेंगे आप, क्या हो गया सर, कहाँ गड़बड़ हो गई? धन्यवाद। सबसे पहले मैं जनता टीवी के माध्यम से सभी वोटर और दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और साथ ही ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है,
जो लोकतंत्र जो भी देता है, जितना भी देता है, उसका हम तहे दिल से आज पंजाब के अंदर जी हमारी पार्टी को जो सीटें मिली चुनाव में, दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी वहां पर रही। जनता ने हमें मजबूत विपक्ष के तौर पर वहां पर देखा है और हम मजबूत विपक्ष के साथ जनता के अधिकारों के लिए विधानसभा के अंदर लड़ेंगे और जो जनता की उम्मीदें हैं, विपक्ष की जो उम्मीदें होती है विपक्ष के प्रति, ठीक है, वो तो विपक्ष की भूमिका में आप रहेंगे और आपको अपना काम करना होगा। पंजाब की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं इसका कि चूक कहां हुई, क्योंकि एग्जिट पोल में भी जिस तरीके से देख रहे थे कि आपकी पार्टी को अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा था, बढ़त मिल रही थी, दूसरी तरफ हम ये देखें कि चुनाव होने के बाद भी तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार अच्छे कर सकती है और हो सकता है कि सरकार भी बना ले। आप लोग भी लगातार ये दावा कर रहे थे, आज सुबह कुमार विश्वास भी ये दावा कर रहे थे, आखिर गलती हो कहाँ गई, चूक कहाँ गए? नहीं, इसमें चूक नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला है और जनता ने जो फैसला किया है उसको हम स्वीकार करते हैं, नमस्कार करते हैं जनता को। साथ ही जो चूक जो रही है या कोई खामियां जो कमियां कुछ रही है, अब नई पार्टी है, नए लोग हैं, राजनीति की शुरुआत है और इसके अंदर हम भ्रष्टाचार और नशा बंदी नशे के ऊपर हम वहाँ पर चुनाव लड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत मिला है, कांग्रेस उस भूमिका को निभाएगी और जिसके प्रति जो बीजेपी की और प्लस अकाली ने जो वहाँ पे चुनाव लड़ा है, तो जनता ने इनको भी 18 सीट के ऊपर दो पार्टियों को एक साथ समेट दिया, इसके लिए भी मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी आपके पास, एक सवाल आम आदमी पार्टी से रिलेटेड। बेशक ये पहले विधानसभा चुनाव में उतर रहे और जिस तरीके से उन्होंने, फिर भी सेकंड नंबर की पार्टी है, खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था, क्या काफ़ी कुछ पा लिया? हाँ बिल्कुल, ये कहा जाएगा पा लिया, और इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। कोई भी दल दो साल के भीतर, आप सोचें कि राष्ट्रीय दल कभी इस देश में बना है, इससे बड़ी उपलब्धि तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि गोवा में भले ही कोई सीट लेना लें, लेकिन जो वोट परसेंटेज इनको मिलेगा या पंजाब का जो वोटिंग वोट परसेंटेज है, दिल्ली का वोट परसेंटेज है, वो सारा मिला गया अगर एक सर्टेन एक चुनाव आयोग का एक तय फार्मूला है उसके, उस पर अगर ये खड़े उतरते हैं तो मिल जाएगा, नहीं तो और आगे चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय दल बन जाएंगे। ये तीन राज्यों में तो इन्होंने अपनी पैठ बनाई ली, तो इससे ज़्यादा क्या होगा आप बताओ, कि इतना दिल्ली में इतनी धमाकेदार एंट्री, पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी, और उसके गोवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करके चर्चा में रहने की जो है स्थिति में रहे ये लोग। और मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के जो बहुमत नहीं मिला, अभी जब विश्लेषण आएगा और पूरे आंकड़े आएंगे तो हमें पता लगेगा कि बहुत जगह ये वोट कटुआ साबित हुए, तो इनके कारण जो है दोनों के उम्मीदवार नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ भी ये लोग किंग मेकर रहे, इन्होंने तय किया कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बना पाएगा। अगर जो वोट काटता है उसकी भी तो एक भूमिका होती है ना, जैसे यूपी में मायावती ने वोट काटे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के, तो आप देख रहे हो नतीजा सामने। लेकिन सर एक बात बताइए कि क्या सबसे बड़ा खौफ एक पंजाब में ये रहा कि आम आदमी पार्टी ना आए सत्ता में, बेशक कांग्रेस आ जाए, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी थी क्या? या सर ने जिस तरीके से कहा, क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप लोगों को भी पता था कि वो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए ज़्यादा जोर वहाँ पर नहीं लगाया गया, पूरा फोर्स उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रखा गया। देखिए अभी दो साल से पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी के सारे लोग, यही इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो है गोवा और पंजाब में बिल्कुल तूफान मचाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं पूरा देश सुन लिया। अभी 6 महीना पहले इनके जो टीवी में ऐड आता था कि हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री होती बांटी जाती हैं, और दवाइयाँ होती कितनी है सर? और दूसरी चीज़, अभी ये ऐड आता था कि लोग, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, लोग हमसे पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से बचाए, हमने इतने फ्लाई ओवर बनवाए, हमने ये काम किया। हम कह रहे हैं दिल्ली में एक फ्लाई ओवर की बात कर दें, कोई एक बड़ा काम उन्होंने बता दें कि इतने लाख रुपया, इतने करोड़ रुपया हमने वहाँ से और दिल्ली के विकास में लगाया। और ये भी कहते थे
प्रधानमंत्री हमारी हत्या कराना चाहते। अरे इतना झूठ मत बोलें, और इनकी झूठ चाहे गोवा हो, पंजाब हो, दिल्ली भी, आज आप देख लीजिएगा इनके 21 विधायक वैसे जा रहे हैं और 27-28 और विधायक, ये खुद जिस तरह से अहंकार में और हर जगह झूठ बोल 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 करके आज जिस तरह से अन्ना हजारे जी को धोखा दिए, योगेंद्र यादव को धोखा दिए, इन्होंने जितने इनके यहाँ समझदार लोग थे सबको अरविंद केजरीवाल दूसरी रास्ता दिखा दिए। आज स्वयं केजरीवाल जी इतने बड़े झूठ मुख्यमंत्री के रूप में शायद इस धरती पर राजनीति में कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता होगा। तो आज उनके झूठ का पुलिंदा चाहे गोवा हो, पंजाब हो और दिल्ली हो खुलता गया और जनता बहुत समझ। लेकिन फिर भी पंजाब में तो वो दूसरे नंबर की पार्टी है ना, सच्चाई तो यही है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी है। सच्चाई तो ये भी है कि ये कहा जाता था कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन आज जो है दूसरे नंबर पे वहाँ की जनता ने दे दिया। तो आज झूठ बोलने की एक सीमा होती है और उनका झूठ बोलने की सारी चीज़ें जनता समझ गई है और अब वो जीवन में सपना मत देखें कि आज किसी प्रदेश में जा करके और खाता खोल लें और सरकार बना लें। सुरेंद्र जी के पास एक बार चलते हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आपने जिस तरीके से तमाम बातों को सुना उससे इतना तो तय हो गया है कि क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली के काम को देखने के बाद पंजाब में ये वोटिंग हुई है, या फिर पंजाब का रुतबा बिल्कुल अलग था, पंजाब का ढर्रा बिल्कुल अलग था, वहाँ कोशिशें बिल्कुल अलग की गई, बेशक केजरीवाल लगातार गए हों वहाँ पे। ये जो रामचंद्र जी कह रहे हैं, इस देश में जो सबसे बड़ी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार हिंदुस्तान को मिला है, जो कि अपने चुनावी घोषणा पत्र को जुमला कह देते हैं ये लोग, और दिल्ली के अंदर सभी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर सभी तरह की दवाइयां खरीदी जाती हैं, सभी तरह के टेस्ट खरीदे जाते हैं, और यहां पर भारत सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, किसी हॉस्पिटल के अंदर दवाई फ्री नहीं दी जाती। और भारत सरकार के हॉस्पिटल में अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो उसका भी पैसा लगता है, और दिल्ली सरकार ने एक प्रावधान कर रखा है इनके हॉस्पिटल में अगर कोई चला जाए तो उसका पैसा भी दिल्ली सरकार एक एस्टीमेट उससे मांगती है एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से, और एम्स हॉस्पिटल को पैसा ट्रांसफ़र करती है। उसके साथ दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे हैं, 12.5 लाख परिवारों को पानी फ्री दिया जा रहा है, शिक्षा के अंदर जितना बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर आया है उतना बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया है। चुनाव दूर है अभी, मुझे ये बताइए क्या दिल्ली के काम का असर पंजाब के वोटर्स पर पड़ा, हाँ या ना? बिल्कुल दिल्ली के काम का पंजाब के वोटर पर पड़ा, तभी तो दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी रही है, और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, दो पार्टियों को साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनको 18 सीटों के ऊपर वहां की जनता ने समेट दिया। दूसरा, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वहां वहां बीजेपी को बहुत बड़ा इसका खामियाबा, इसकी कमियां उन्होंने उभरनी पड़े। इन्होंने आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का, कि अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश रिजल्ट देख करके बोला करो, प्रदेशों में चुनाव आप नहीं लड़ा, दिल्ली के विधायक हैं, कम से कम आज का तत्काल का रिजल्ट देख करके बोला करो कि बीजेपी कहाँ है, आप कहाँ हो। नहीं, तो बोल करके आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल केवल बोल बोल करके ही आज अपनी छवि जितना वो साफ कर लिए है ना, हम उसको खराब नहीं साफ कहेंगे। आज आपको चाहे गोवा हो, पंजाब हो, दिल्ली, अभी जो दिल्ली में है वो भी खत्म होने जा रहे हैं, समय नहीं, 6 महीने के अंदर आज अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला कहीं नहीं होगा। यहाँ पे लड़े हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक सवाल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी अनुज अत्रे जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सवाल ये है कि सबसे पहले तो पंजाब के लिए बधाई आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहूँ? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देंगे कि इनको जनता ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जगाया है, प्रचंड बहुमत दिया है, और कहीं ना कहीं जो इस बार हम इस पे उत्तर प्रदेश पे यही कहना चाहेंगे कि जनता इस बार जो है विकास के मुद्दों से फिर भटक गई है, और जो एक ये ध्रुवीकरण का जो एक कोशिश की गई थी उसमें ये पार्टी कामयाब हो गई है। तो अगर वो ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए तो आप विकास को पहुंचाने में नाकामयाब हो गए? नहीं, देखिए, विकास को पहुंचाने में नाकाम हो गए ऐसा नहीं है, इनकी ये शुरू से नीति रही है कि बांटो और राज करो, और ये इन्होंने जिस प्रकार से देखा, भाजपा ने जब पहले 3 चरण में ये लोग पिछड़ गए थे
तो उसके बाद ये सीधा अपने जो है कब्रिस्तान और शमशान और ये ईद और ये दिवाली इस मुद्दे पर आकर के इन्होंने एक सेकंड सर, क्या पहले चरण ये तीन बता रहे हैं तीन चरण में पिछड़ गए थे, लेकिन तीन चरण के जब रिजल्ट आए हैं तो उन तीन चरण में भी बीजेपी आगे रही है? बिल्कुल आगे रही है, बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया है सबका, और लोगों ने जैसा जो आप ये देखिए कि पिछले 2014 से भी पहले से अगर आप 2009 के चुनाव से देखें तो जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि किसको सत्ता देनी है। जनता अब धीरे 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 उतनी पिछड़ी नहीं रही जिसमें कांग्रेस ने मजे से रेवड़ियां खाई, अब जिसको भी रेवड़ी खानी है उसे डिलीवरी देनी पड़ेगी, डिलीवरी नहीं देगा तो किनारे बैठेगा, लहरें गिनेगा, दूसरा आदमी रेवड़ियां खाएगा। सर एक बात बताइए कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अखिलेश ने जो विकास के काम किए हैं उसी के सहारे बैतरणी पार कर लेंगे और शायद अखिलेश ने वो तमाम बातें वो पहुंचा नहीं पाए तो आपकी भी नैया जो है वो डूब गई? नहीं देखिए, पहले तो मैं इनकी साहब की बात का जवाब दूंगा, जो रेवड़ी वाली बात की शायद ये भूल रहे होंगे कि 27 साल से तो हम सत्ता में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस ने कौन सी रेवड़ी खाई? रेवड़ी तो ये लोग ये जो तीनों चारों पार्टियां आपस में बदल बदल के खा रहे थे। इसमें अखिलेश भी शामिल है? नहीं, अखिलेश इसके साथ गठबंधन है आपका? हमारा गठबंधन जो हुआ था हमारा समाजवादी पार्टी की, जो अखिलेश यादव जी जब से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसकी पहले वाली पार्टी से नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले पार्टी की विचारधारा कुछ और थी, लेकिन जब से अखिलेश, क्योंकि देखा सबने देखा 5 साल अखिलेश यादव जी को किस प्रकार से काम नहीं करने दिया गया, उनको उन्होंने खुद अपने आप स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो एक युवा मुख्यमंत्री जिसकी एक सोच थी विकास की उसको काम नहीं करने दिया गया था, तब तक हमारा इनसे गठबंधन का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब लगा कि अब पार्टी इनके हाथ में आ गई है, पार्टी का कमान इनके हाथ में आ गया है, उसके बाद हमने गठबंधन की इनसे बात हुई थी और उसके बाद गठबंधन किया गया था, तो इसलिए जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें जो है समाजवादी पार्टी की दूसरी छवि थी, दूसरी विचारधारा थी, उससे हमारा इसमें एक सर एक काउंटर सवाल मेरा कि क्या बिहार के परिणामों को देख करके कांग्रेस ने यह फैसला लिया? और मुलायम सिंह अगर रहते तो वो कभी करते ही नहीं इनके साथ गठबंधन, इसलिए जब अखिलेश ने संभाल लिया तो इनके लिए रास्ता एक खाली हो गया और इन्होंने अपने अप्रोच किया और ये गठबंधन हो गया, बिहार का रिजल्ट और मुलायम का हटना। लेकिन वो 5 साल का बोझ तो कंधे पे पड़ा ना, 22 से 7 रह गए तो 5 साल का बोझ तो पड़ा ना। ये भले ही ये बात कह रहे हो और ये मेरी बात को गलत समझ गए, मैंने कहा था कांग्रेस का जमाना, मैंने ये नहीं कहा कि पिछले 27 साल यूपी बहाल का इन्होंने जब नारा दिया तो उसके बाद क्यों गलबैया करके बैठ गए। इससे मतलब है कि इनको लगा कि ये लोग कमज़ोर हैं। राहुल गांधी ने जो खाट सभाएं करी उसके बाद मंथन हुआ और उसके बाद तो ये तय था कि और वो दूसरे क्षेत्रों में भी करेंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगी, बहुत जोर शोर से सुना था हमने, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, लेकिन कुछ नहीं निकला, टाटा फुस हो गया, दोनों एक दूसरे की पद्धी पर सवार हो गए। तो कैसे हो गए? सिर्फ इसलिए कि ये देख के कि हमारी अकेले ताकत नहीं है, अखिलेश को लगा कि मेरे परिवार का झगड़ा हो गया है और जो है बुड्ढे मुझे जो है सरवाइव नहीं करने देंगे, इसलिए उसने जो कहा कि चलो अब कांग्रेस को पकड़ लो, और उसका फायदा हुआ। आप ये देखिए कि 22.5% मायावती की बीएसपी लेके आई है इस चुनाव में, लेकिन सीटें उसकी 20 से नीचे हैं, और ये लोग 21.25% लेके आए हैं समाजवादी पार्टी वाले, लेकिन इनकी सीटें 50 को टच कर रही हैं। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है 7%। रामचरण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था अभी हमारे दोनों साथी, चाहे अनंत मित्तल साहब चाहे हमारे कांग्रेस के साथी, जिस तरह रेवड़ी बांटने वाली बात आई आज, जैसे 27 साल आपने कहा कि यूपी में कांग्रेस नहीं थी, हम कह रहे हैं कि हम 27 में से 2.5 साल कम कर दीजिए, 24.5 साल यही अखिलेश के पिताजी माननीय मुलायम सिंह 10 साल मनमोहन सरकार को 5-5 UPA 1 UPA 2 10 साल समर्थन दिए हैं, और उस 10 साल में हिंदुस्तान की छवि सबसे भ्रष्ट देशों में गिना गया। चाहे आप अंतरिक्ष में 2G घोटाला, इनके कैबिनेट मंत्री ये राजा जेल गए, आकाश में अगस्ता हेलीकॉप्टर देख लीजिए, जमीन पे कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इनके सुरेश कलमाड़ी जेल गए, पताल में कोयला घोटाला खुद मनमोहन सिंह के पास था, तो ये 10 साल अखिलेश जी के पिताजी कांग्रेस को बिना सर समर्थन दिए, और उस 10 साल में हिंदुस्तान सबसे भ्रष्ट देशों में गिनने जाने लगा था, और जब से 2.5 साल से आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिस देश में गए हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा का है, और कांग्रेस तो 70 साल से दोषी है। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन आज इस 2.5 साल में उत्तर प्रदेश की जीत इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और केवल आदरणीय मोदी जी ने जब 2 लोकसभा 2014 से लड़े, गुजरात छोड़े और यूपी अपनाया, इसीलिए कि 70 साल से अगर यूपी का देखा हुआ है तो हम अब यूपी को एक चीज बता दीजिए,
अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय एक्सक्लूड कर दें बीजेपी से, तो बीजेपी का जनाधार क्या है? क्या बात आप करते हैं, हर पार्टी का नेता ही जो है लीडर होता है, वो आप कहते हैं कि पार्टी का जनाधार उन्हीं के आने से तो आज पार्टी ने कहां से कहां पहुंची, एक ईमानदार नेता। जब वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन है, क्या अगर हम अगर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हटा दीजिए नरेंद्र मोदी को, क्या उत्तर प्रदेश में आज जो ये 300 का आंकड़ा पार कर लिया आप लोगों ने, वो कर पाते क्या? देखिए आज ये सवाल आप बिल्कुल ऐसा सवाल ना करिए कि लोग उससे भटकें, आप भटकने का सवाल कर रहे हैं। बस मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं नहीं जानना क्या चाह रहे हैं, आज या पूरे देश में स्थिति है इस वक्त कि नरेंद्र मोदी के अलावा कई ऐसे प्रदेश है जहां पर आपके पास चेहरा ही नहीं है, आप चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का। आज तक जो है कहीं का आप चेहरा देख लीजिए, हमने हरियाणा भी नहीं मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं दिया था, हमने महाराष्ट्र नहीं दिया, जीता ना, हमने जो है कई ऐसे प्रदेशों में मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं दिया, चूंकि आज हमारी पार्टी में ही एक ऐसा जो है पार्टी है कि गांधी परिवार और मुलायम सिंह का यादव परिवार और बहन मायावती के यहाँ दलित परिवार, आज भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसा पार्टी है कि मेरे जैसा भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, केशव मौर्य भी बन सकते हैं, आज केवल भाजपा में ही ये चेहरे। मैं आपसे भी इसका एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक बार सुरेंद्र कमांडो जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल आपसे मेरा ये कि जिस तरीके से खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ हुआ करते थे, उनके घर जाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और वो भी इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले उनके यहाँ जाना, क्या इसने पूरे के पूरे मतदाताओं के मूड को बदल कर रख दिया? ये भाई साहब जो है चुनाव के दौरान वोट डोर टू डोर मांगना हर आदमी का अधिकार है, हर जगह हर पार्टी लोकतंत्र में हर आदमी के वोट की बराबर वैल्यू है इस देश के अंदर, तो इससे वोट या किसी पूरे समाज का बदलाव होना ये निश्चित नहीं है। इस बात से इसमें जो जनता ने जो मन बनाया है, 5 स्टेटों में भी चुनाव हुआ है, चुनाव हुआ तो पंजाब के अंदर हम चुनाव लड़ा, पहली जो पार्टी अभी हमने लड़ी तो दो पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी अकाली दल पार्टी पंजाब के अंदर राज कर रही थी, जिसके साथ बीजेपी और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, दोनों पार्टियों ने मिलके चुनाव लड़ा है, ये पार्टी वहां पे दोनों पार्टियां 18 सीटें ले पाई हैं, आम आदमी पार्टी 20 सीट ले पाई वहां पे, ठीक है, दूसरे स्थान पर रही आपकी कांग्रेस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है सर, आप उस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर क्या उनके घर जाना अरविंद केजरीवाल का, वो भी इलेक्शन से 3-4 दिन शायद पहले वो गए थे वहां पर, और उसकी वजह से क्या एक यू टर्न देखने को मिला मतदाताओं के मूड में, कोई किसी तरह का कोई बदलाव हुआ, ये आपको लगता है कि ताबूत में आखिरी कील साबित हुई? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, इस प्रकार का कोई नहीं है, जनता अपना मन पहले से बना चुकी थी किसको वोट देना कहाँ वोट देना है, और जनता तय करती है अपना कैंडिडेट तय करती है, अपना फैसला जनता लेती है, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, अलग अलग स्टेटों में चुनाव हुए हैं, अलग अलग रिजल्ट हैं, आप चले जाइए गोवा के अंदर, गोवा के अंदर भी कांग्रेस 17 सीटें हैं, बीजेपी को 13 सीटें हैं, और जहाँ आम आदमी पार्टी ने जहाँ भी चुनाव लड़ा है तो उसमें लोगों को जगाया है, वहाँ की जो सरकार जो समय से पहले वहाँ पर काम कर रही थी उनके खिलाफ वोट हुआ है, कहीं भी लगा लो आप, बीजेपी की सरकार थी गोवा में पर अब कांग्रेस की वहाँ पर लीड वहाँ पर मिली है, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार थी अकाली के साथ मिलके वहाँ उनके खिलाफ वोट हुआ है, ऐसे यूपी के अंदर अखिलेश सरकार थी उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, साथ में कांग्रेस उसके साथ में चुनाव लड़ा तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा, तो ये पार्टियां कांग्रेस बीजेपी ये एक ही हैं, और चाहे पंजाब के अंदर देखिए अकाली और लास्ट मूवमेंट के अंदर इन लोगों ने बोला वहाँ पे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट करिएगा, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, आम आदमी की बात करेगा, तो ये सारी चीज़ जनता तय करती है, नेता सिर्फ प्रचार कर सकते हैं प्रसार कर सकते हैं, और दूसरा रही बात, पहली बार ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हुआ है कि जो देश का प्रधानमंत्री लगातार रोड शोर मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से लगा कि मुझे लगा कि भाई प्रधानमंत्री खुद ही जैसे चुनाव लड़ रहे हो।
नहीं ठीक है, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को अगर लगातार वहां पर प्रोजेक्ट या लगातार आप गोवा और पंजाब भेजते रहे अरविंद केजरीवाल को, तो प्रधानमंत्री भी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ना, तो अगर वो जा रहे हैं वहां उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नजर नहीं आती। खैर एक सवाल मेरा आपसे, पंजाब का उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, नहीं बुराई नहीं, बुराई की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी गरिमा है, उसका सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का। बाकी अभी विधायकों का बैठक होगी और ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे आगे किस प्रकार से किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा। ऑलमोस्ट तो तय है सिद्धू कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, शर्त तो यही होगी पर्दे के पीछे। कोई शर्तों के आधार पर सिद्धू जी ने पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, उन्होंने खुद ही बोल दिया था, ये लोगों का आकलन है। और बाकी अगर कोई इसमें कोई वो नहीं है, अगर हो सकता है पार्टी निर्णय लेगी, उनको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, तो निश्चित तौर पे सिद्धू जी पूरे सक्षम है। मैं अभी थोड़ा सा एक बात चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी हमारे सांसद साहब ने दो चार बातें कही थी, तो उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा कि क्या ना जाने क्यों अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी कांग्रेस की खुमारी में चल रहे हैं। ये लोग भूल रहे हैं कि 3 साल होने जा रहे हैं, ये लोग केंद्र की सत्ता में है और जनता ने इनको पूरा मैंडेट दिया है, सेंटर में मैंडेट दिया, आज इनको उत्तर प्रदेश में मैंडेट दिया। तो अब ये हम इनसे कहना चाहते हैं कि अब आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए, अभी तक आप पीछे 3 सालों से ये बहाने बनाते फिर रहे थे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में आपको 73 सांसद होने के बावजूद, 80 में से 73 सांसद होने के बावजूद आपके सांसदों ने कोई काम नहीं किया, जिसमें से रामचंद्र जी खुद भी एक सांसद है। दूसरी बात, आपके तमाम नेता इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी से लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लेकर के आपने दुनिया की बुराइयां आपने गिराई, दुनिया के पार्टी के नेताओं की आपने बुराई गिराई, क्या एक आपको कोई उदाहरण आपने बताने को कुछ था कि आपके सांसदों ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से आह्वान किया था कि एक एक गांव आप गोद लीजिए, उसका विकास कीजिए, आपके 73 सांसदों ने अपने 73 गांव का विकास नहीं कर पाए। आप बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो जब समय हमारी देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस ने उसने हमारे पार्टी ने जब सत्ता हासिल की थी उस समय हमारे देश में सुई तक का निर्माण नहीं होता था। आज अगर मोदी जी की विदेशों में इज्जत होती है, प्रधानमंत्री जी की इज्जत होती है, तो इस वजह से इज्जत नहीं होती कि वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको तो अमेरिका ने वीज़ा तक नहीं दिया था जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगर उनकी इज्जत हुई है तो वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इज्जत हुई है, और उनके बनने से पहले ही इस देश की इतनी विदेशों में इज्जत थी कि देश का हमारा देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो उसको इज्जत मिलती है। तो उन्होंने कब दावा किया कि नरेंद्र मोदी को इज्जत मिल रही है? देखिए ये इन लोगों का दावा इस प्रकार से ऐसा दावा इन्होंने किया कि जैसे मोदी जी के जाने से पहले हमारे देश की विदेशों में कोई इज्जत नहीं थी। आज अगर हम लोग चंद्रयान अगर हम लोग विदेशों में भेज रहे हैं या इसरो का अगर हमारा कोई अब उपलब्धि हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी, इस चीज को इनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक ठीक है सर, मैं एक सवाल आपसे कि 2-3 बातें यहाँ पर आई, एक तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और विकल्प है, क्या अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो क्या पार्टी इसी रुतबे के साथ प्रदर्शन कर पाएगी? और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू, क्या वो कच्चे खिलाड़ी हैं कि बिना शर्त के वो गए होंगे बिना उप मुख्यमंत्री के पद के? दोनों का सवाल। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू के आने से पलड़ा बहुत भारी हुआ है इनका, इसमें कोई शक नहीं, और ज़रूर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्योंकि उन्हें चूँकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं किया था तो वो नहीं गए थे, और बीजेपी से भी वो इसीलिए जो है नाराज़ हुए थे, बागी हुए थे। हालांकि बीजेपी से एक खबर ये भी आई थी कि उन्हें कनाडा में उच्चायुक्त बना के भेज दिया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ फ्रेक्टिफाई नहीं हुआ, कुछ भी फलीभूत नहीं हुआ और वो छोड़ गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कांग्रेस से उनकी समझदारी कोई सत्ता की समझदारी हुई हो और हुआ हो, क्योंकि हमें याद होगा, हमें याद करना चाहिए इस मौके पर कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तो 2 मंत्रालयों को लेकर उनका विशेष आग्रह था डीएमके का, और जब कांग्रेस ने वो डीएमके को वो मंत्रालय नहीं दिए थे, लिस्ट में वो मंत्रालय नहीं थे, तो करुणानिधि ने मद्रास में चेन्नई में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो पर्चा लहरा दिया था जिसपे उनकी और कांग्रेस की आपस में समझदारी अंडरस्टैंडिंग बनी थी, और उसमें साफ लिखा था कि ये मंत्रालय इसमें दिए जाएंगे और उसी के तहत जो है उनके आपस में चुनावी समझौता हुआ था। तो ये सब कोई अप्रत्याशित चीज़ें नहीं है, ये होता रहा है इस देश में, हमेशा हुआ है। 6 साल जॉर्ज फर्नांडिस, वही जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आरएसएस के लोगों के साथ जो है रक्षा मंत्री रहे, जिनके नाम पे, जिनकी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे उन्होंने 1979 में हमारी जनता पार्टी की बहुत अच्छी चलती हुई सरकार को मोरारजी भाई की गिरा दिया था समाजवादियों ने। तो ये देश में लोग परिवर्तन संशोधन राजनीति में लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा फायदा है कि कल के दुश्मन आज दोस्त, आज के दुश्मन कल दोस्त। वो दिन भी याद करिए जिस दिन वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसकी एक बैसाखी थी 120 सीट वाली कौन, बीजेपी, दूसरी बैसाखी कौन थी,
सीपीएम लेफ्ट फ्रंट, तब जाके उनकी सरकार बनी। जनता दल के तो मात्र 132 सांसद थे। तो ये तमाम प्रयोग पहले भी हुए हैं और सत्ता के समझौते हमेशा होते हैं। दूसरे, आपने कहा नरेंद्र मोदी की बात, तो नरेंद्र मोदी इसमें कोई शक नहीं, सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश में इज्जत होती है भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते। भारत का 5 से 10 हज़ार साल पुराना इतिहास है, उसमें व्यक्ति आए हैं गए हैं। इसमें यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक सिकंदर के नाम पे हम इतराते रहे हैं, यहाँ दुनिया भर के नेता हुए हैं, पहले भी हुए हैं और बाद में भी होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी होते, सोचिए। एल के आडवाणी नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी होते। बलराज मधोक नहीं होते तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी होते? दीनदयाल उपाध्याय नहीं होते तो क्या आज बीजेपी होती, भारतीय जनसंघ होता, या इवन गुरु गोलवलकर और उनके बाद के लोग भाऊ साहब देवरस और बाबा बाला साहब देवरस होते तो क्या आज आरएसएस इस रूप में होती? नहीं होती। लेकिन अगर आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या बीजेपी की ये स्थिति होती? देखिए, ऐसा है कि हर दल ने अपने नेता छांटे हैं। राजीव गांधी की डेथ हुई, उसके बाद नरसिंह राव बने प्रधानमंत्री, आपके सामने है। उसके बाद कांग्रेस 6 साल अपोजिशन में रही, उसके बाद लौटी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में लौटी। किसी ने कल्पना की थी कि सोनिया गांधी इतनी एफिशिएंट लीडर होगी कि 10 साल कांग्रेस को सेल करा जाएगी, सत्ता में बिठा के ले चलेगी हिंडोले में? तो ये तो हर दल के पास, देखिए ये देश है और हर दल के पास नेता पैदा करते ही है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि वो नेता पैदा करता है। हाँ, आज अगर आप अभी इस क्षण देखें या अगले 5 साल देखें तो वास्तव में मोदी का कोई विकल्प भाजपा पे नहीं दिखता, और अगर मोदी को माइनस करेंगे तो भाजपा वास्तव में घाटा उठाएगी। अब बिहार में भी नरेंद्र मोदी ने काफी रैलियां की थी बिहार चुनाव में, उस दौरान ये कहा गया था कि पीएम की इतनी रैलियां ही बीजेपी पर भारी पड़ गई। उत्तर प्रदेश में भी काफी रैलियां की, इन दोनों में, इन दोनों के समीकरण में क्या बदलाव रहे? मैं बता देता हूँ आपको, बिहार में प्रधानमंत्री ने की थी 40 रैली और यूपी में इतना हल्ला गुल्ला करके भी उन्होंने करी टोटल 23 रैली। तो आप देखिए, उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, ऐसा नहीं है कि नहीं खींचे, लेकिन बिहार और यूपी की परिस्थिति में अंतर था। वहां विपक्ष का सारा वोट, जो उनके सामने खड़े थे लोग, वो सारे एकजुट थे, महागठबंधन था, और यूपी में सिर्फ गठबंधन था। अब आप देख लीजिए, एसपी कांग्रेस और बीएसपी का वोट मिला के 47% से ऊपर बैठ रहा है ना, 48% के भी पार जा रहा है, और बीजेपी का कितने पे आया, 42% पे। तो आप देख लो सामने, कांग्रेस और एसपी मिल गए तो 60 के लपेटे में सीट ला रहे हैं, और अकेली बीएसपी रह गई तो 20 के नीचे चलेगी 17-18 पे। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार इस देश में 1967 में हुआ था, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, उस बार पहली बार भारतीय जनसंघ की 100 सीट आई थी। भारतीय क्रांति दल चरण सिंह ने जो है तोड़ के कांग्रेस को और बनाई थी संयुक्त विधायक दल। तो इस देश का इतिहास है, जब जब मिले, 1977 में मिले, जनसंघ साथ मिल गया जिसको सबसे अछूत माना जाता था, सोशलिस्ट पार्टी मिल गई, स्वतंत्र पार्टी मिल गई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बन गई, जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दो बड़े नेता कांग्रेस के टूट के आ गए, चंद्रशेखर आ गए, रामधन आ गए, कृष्णकांत आ गए, ये सब लोग आए, वो पार्टी बनी और उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हो कि प्रधानमंत्री हार गया, तो ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसी का नाम है लोकतंत्र। और इसीलिए मैं कहता हूँ जनता को सलाम है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, और ये समझने की इस मता जनादेश का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करना, जो करेगा। एक बात बताइए सर, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विकास को अनदेखा किया मतदाताओं ने, और जो पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, उनका ये कहना है, इसको ध्यान में रख करके ये वोटिंग हुई। क्या कांग्रेस मतदाताओं को बेवकूफ समझती है कि वो विकास के मुद्दे को नहीं देखेगी और पोलराइज्ड हो जाएगी और फिर वो वोट करेगी? देखिए, ये तो वोट के परसेंटेज का सीधा खेल है। ये विकास हुआ, विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ। समाजवादी पार्टी की जो छवि यूपी में बन रही थी वो कैसी बन रही थी? पिछले चुनाव में आप याद करिए, जब यूपी का 2012 का चुनाव हुआ था तो जो समाजवादी पार्टी के विज्ञापन थे उनमें क्या था, उनमें नेताओं का झुंड था, उस झुंड के बीच में मुलायम सिंह यादव खड़े थे। इस बार का चुनाव देखिए, इस बार के चुनाव में यूपी के दो लौंडे थे ऊपर, यूपी के लड़के दो, तो मुलायम सिंह को बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने 50-60 साल राजनीति में बिताए,
ये पारिवारिक कलह भारी पड़ा, पारिवारिक कलह भी भारी पड़ा है। इसके अलावा जो बाकी नेताओं को जमातों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, यूपी में जमात है। बीजेपी ने भी थोड़ा सा गड़बड़ करी कि जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ऊपर रख के नीचे जो है राजनाथ सिंह, उमा भारती, मौर्य और कलराज मिश्रा, चारों की सूरत दिखाई। और जो जो इलाके थे रीजनल अखबार हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ का इलाका है तो वहाँ उसकी दिखाई सूरतें, उसको ऊपर रखा। इसी तरह अन्य नेताओं का जहाँ जिनका इलाका था, जो मौर्य का इलाका था वहाँ उसे ऊपर रखा, जो अपना दल का इलाका था अनुप्रिया पटेल को ऊपर रखा। तो अपने चुनाव में, अपने विज्ञापनों में भी उन्होंने रणनीति, पब्लिक को क्या मैसेज देना है इसकी बहुत अच्छी रणनीति। ये एक बहुत सटीक रणनीति है, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने सीएम कैंडिडेट को नहीं दिखाया है, रिवील नहीं किया है, वहाँ वहाँ पार्टी इसी स्ट्रैटेजी पर चलती है कि जिस भी इलाके में जाओ उस इलाके के नेता को प्रमोट करो और लोगों को ये लगे कि ये अगर हम बीजेपी को जिताते हैं तो ये हमारा प्रत्याशी जो है वो सीएम का उम्मीदवार है, सीएम बन भी सकता है। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रही, किस चीज पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया और ऐसा क्या रहा जहां पर ये दो लड़के, उनको ये कहा गया कि ये यूपी के लड़के हैं, बाहरी तो नरेंद्र मोदी हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया? देखिए, सीधी बात ये थी कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद एसपी और बीएसपी ने बोया था उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ थी, जैसे आज केशव मौर्या, अनुप्रिया पटेल, मैं, निषाद, तो कम से कम 40-45% अति पिछड़ी जातियों को हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं इनको टिकट भी दिया। अभी तक जिस तरह से अभी आपने हमारे मित्तल सर कह रहे थे कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चाहे माननीय राजनाथ सिंह को हो, चाहे माननीय कलराज मिश्रा जी हो, चाहे ये श्रीमती उमा भारती हो, केशव मौर्या, इन सब को अलग अलग जगह पे और पूरे प्रदेश में रखे। आज दिक्कत क्या हुई है कि समाजवादी और बीएसपी ने केवल जात की राजनीति, आज जिस तरह से अखिलेश जी अभी हमारे कांग्रेस के साथी ये कह रहे थे कि चुनाव के आते आते जो है कब्रिस्तान आ गया, माइनॉरिटी आ गई, हम कह रहे हैं कब्रिस्तान यही अखिलेश जी, बहन मायावती ने कम से कम 100 सीट माइनॉरिटी को दिए, यही अखिलेश जी हर कब्रिस्तान को बाउंड्री कराए और मुख्य रोड से वहाँ तक पिच रोड कराए और 24 घंटे बिजली कराए, बाकी जगह छोड़ दिए। आज इन्होंने माइनॉरिटी कब्रिस्तान और क्या क्या सारी चीज़ें तो बोए हैं केवल सपा और बसपा ने। एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं एक शब्द माइनॉरिटी की बात नहीं, उन्होंने 125 करोड़ की हमेशा विकास की। आज जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कमांडरो सर बोल रहे थे कि पंजाब में कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके तमाम रैलियां किए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में दिल्ली की जनता देख ली, अगर अरविंद केजरीवाल को भगवान बुद्धि दिए होते तो पंजाब के लोकल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगर बनाए होते तो आज अरविंद केजरीवाल की हैसियत कुछ और होती, उनको हमेशा दिल में खोटता। एक मिनट। और हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 73 सांसद हैं, 2.5 साल हो गया। आज मैं अपनी लोकसभा, हम और पीएम साहब बिल्कुल पड़ोस में है, एयरपोर्ट मेरी लोकसभा में, हम लोगों ने और खासकर हम अपनी लोकसभा में कोई गांव नहीं ऐसे हैं जहां भारत सरकार की योजना शौचालय हर घर में गरीब घर के बन रहा है, गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, परिवारों को शुद्ध पीने का पानी, हमने कम से कम 2000 हैंड पाइप लगवाए। आज ये सब चीज़ें गांव के गरीब लोग जो कभी नहीं पाए थे, सपा बसपा में गए थे लेकिन उनको विकास नहीं मिला था, लेकिन अति पिछड़ी जातियाँ, निषाद, राजभर, चौहान, विश्वकर्मा, कुशवाहा, प्रजापति, लोध, पटेल, इन सारे लोगों को ये लगा कि ये अपनी पार्टी है बीजेपी, यहाँ जो है जाति धर्म से उठ करके विकास होता है। जिस तरह से उनके पास विकास गया, उनको पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि 2.5 साल में अगर ये दिखाई दे रहा है, अगर पूर्ण बहुमत में यूपी में हम आएंगे तो इससे ज़्यादा हम लोगों का विकास होगा, ये सोच लेकर के जनता ने हमको इतना। ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक लें, यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात ये होगी कि जिन जिन प्रदेशों में जो जो पार्टी जीत करके सामने आई है उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब की अगर हम बात करते हैं या फिर हम राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें तो लोहिया साहब ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो काम करके दिखाना होगा, वो भी जल्द से जल्द करके दिखाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बात चुनौतियों की होगी।